और स्टूडेंट, मैं सतीश सर, आज मैं क्लास सिक्स और हिंदी रीडर है पार्ट आठ ज्ञान की बातें, ठीक है। और इसमें महात्मा गांधी अपने पुत्र के नाम एक पत्र लिख रहे हैं और इस पत्र में उनके घर के दायित्व को बताया है। तो जब महात्मा गांधी जेल में थे, ठीक है, जेल जीवन के समय का है यह पत्र, जेल जीवन के समय यानी जेल में जब जीवन व्यतीत कर रहे थे, उनको जेल यानी की सजा हुई थी, तब उन्होंने अपने पुत्र को पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए सलाह देते हुए उनका मार्गदर्शन किया था, है ना। साथ ही चरित्र निर्माण के महत्व से उन्हें अवगत कराया था। किसे? तो अपने पुत्र मणि के नाम उन्होंने एक पत्र लिखा। कहाँ से लिखा? प्रिटोरिया जेल से लिखा। कब लिखा? 25 मार्च 1909 को लिखा, ठीक है। तो उस पत्र में क्या लिखा था? उन्होंने अपने पुत्र को एक पत्र के माध्यम से, देखिए क्या लिखा था, आप सभी जानते हैं कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है ना। तो उन्होंने लिखा, प्रिय पुत्र मणि, आप सभी भी जानते हैं पत्र लिखने, प्रिय पुत्र मणि सदा प्रसन्न रहो, अब मुझे महीने में एक बार पत्र लिखने और एक बार पत्र पाने का अधिकार मिल गया है, क्योंकि उन्हें पहले न पत्र मिलता था और न उसे लिखने दिया जाता था। तो वे पत्र के माध्यम से क्या बताते हैं कि अब मुझे एक बार पत्र लिखने और एक बार मुझे पत्र पाने का अधिकार मिल गया है, मैं पत्र कैसे लिखूं? मिस्टर पोलक, मिस्टर रिच और तुम्हारे बारे में ध्यान आया है, लेकिन मैं तुम्हें ही पत्र लिखने का मन बनाया। क्यों? क्योंकि तुम मेरे विचारों को करीब से जानते हो, करीब से समझते हो, इसलिए मैं तुम्हारे नाम ही यह पत्र लिख रहा हूँ। तुम मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना। क्या बताते हैं कि तुम मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना। मैं उसमें क्या बताया कि मैं तब वो क्या बताते हैं कि तुम मेरे बारे में जरा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से ठीक ठाक हूँ, स्वस्थ हूँ, है ना, शांति में हूँ। तब जो है वे फिर क्या लिखते हैं, आशा है कि तुम और तुम्हारी माँ भी ठीक होगे। नहीं तो क्या बोला कि आशा है कि बा क्या है, तुम्हारी माँ, है ना, अच्छी हो गई होंगी, क्योंकि वह अस्वस्थ थी लेकिन अब ठीक हो गई होंगी, है ना। मुझे जानकारी मिली है, क्या बताते हैं आगे, क्या लिखते हैं कि मुझे जानकारी मिली है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, कुछ पत्र उनका भेजा गया था, इसलिए वे बताते हैं कि मुझे कुछ पत्र यहाँ आने की खबर मिली है, ठीक है, परंतु मुझे अभी तक मिला तो नहीं है, लेकिन यह पता चला है, लेकिन फिर भी उसने बताया कि डिप्टी गवर्नर की उदारता से मुझे मालूम हुआ कि बा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार हो रहा है, निरंतर माने लगातार दिन प्रतिदिन उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। क्या हुए, अब फिर से चलने फिरने लगी है बा और तुम, अर्थात तुम्हारी माँ और तुम, रोज उसमें क्या दूध के साथ साबूदाना बराबर ले रहे हो ना, क्या तुम सब अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हो ना, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा। और फिर लिखते हैं कि तुम कैसे हो, तो तुम पर जो जिम्मेदारी मैंने डाली है, उन्होंने क्या बताया कि तुम पर जो मैंने जिम्मेदारी डाली है तुम सर्वथा उसके योग्य हो, है ना, मुझे भरोसा है कि तुम आनंद से इसे निभा रहे हो, खुशी से इन्हें निभा रहे हो, मैं जानता हूँ कि
तुम्हें अपनी शिक्षा के प्रति गुस्सा है, रोष है ना, परंतु कारागार में रहकर मैं अब यह समझ गया हूँ, मैं कारागार जेल, मैं जेल में रहकर यह समझ गया हूँ कि यह क्या समझ गया हूँ कि केवल अक्षर ज्ञान ही शिक्षा नहीं है। अक्षर ज्ञान प्राप्त कर लेने से ही शिक्षा, यह शिक्षा नहीं कहलाता, यह शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र का निर्माण करती है। सच्ची शिक्षा क्या है? चरित्र निर्माण करना। जो सच्ची शिक्षा है वह चरित्र निर्माण करती है, कर्तव्य का बोध कराती है ना। और क्या बताया? आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की, और यानी बीमार माँ की उन्हें क्या करना है? देखभाल करना है, अच्छी तरह उनकी देखभाल करना है, और तुम्हें यह देखभाल करने का अवसर भी मिला है। यदि तुम क्या बताए, तुम्हें अपनी बीमार माँ की देखभाल करने की, उनकी सेवा करने का तुम्हें अवसर मिला है, तुम इसे ठीक से निभाना, यह काम अच्छी तरह से और आनंद से करते रहो, तुम्हारी आधी शिक्षा तो इसी में, इसी से पूरा हो जाएगा, इसी के द्वारा पूरा हो जाएगा, है ना। और क्या आगे बताया कि संसार में तीन बातें महत्वपूर्ण हैं। क्या बताया? संसार, उस पत्र में लिखा गया कि संसार में तीन बातें महत्वपूर्ण है, यदि तुम इसे प्राप्त कर लोगे तो संसार के किसी भी कोने में तुम अपना गुजारा कर लोगे, अपना निर्वाह कर लोगे। ठीक है, ये कौन सी तीन बातें? तो पहला बताया कि अपनी आत्मा का, पहला क्या बताया? अपनी आत्मा का, है ना, अपनी आत्मा का। और यहां देखिए क्या बताया? अपनी आत्मा का। और दूसरा बताया कि ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, है ना, ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, और तीसरा है अपने आप का। क्या है? अपने आप का। ठीक है, तो ये तीन बातें, ये तीन बातें जो, तो ये तीन बातें क्या है? महत्वपूर्ण है। और जो इन तीनों बातों को क्या करता है? प्राप्त कर लेता है, वह संसार के किसी भी कोना में अगर वह जाता है तो वह अपना खुशी से जीवन निर्वाह कर सकता है। तो आप तीन बातें देख लिए। और इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम्हें अक्षर ज्ञान नहीं मिलेगा, वह तो मिलेगा ही। अक्षर ज्ञान तो इसलिए होता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है तुम दूसरों को दे सको, यह है अक्षर ज्ञान। अब आगे देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने यह भी लिखा है, वो बताते हैं कि तुम यह याद रखना कि अब हमें निर्धनता में जीना है। याद रखना कि अब हमें कैसे जीना है? निर्धनता में जीना है। मैं जितना अधिक विचार करता हूँ उतना ही मुझे लगता है कि निर्धनता में ही सुख है। खेतीबाड़ी करने में पूरा समय देना, यह भी बताते हैं कि खेतीबाड़ी करने में पूरा समय देना है। भविष्य में हमें अपना जीवन निर्वाह इसी में है कि इसी में करना है। मेरी इच्छा है कि तुम एक योग्य किसान बनो, है ना, अपने पुत्र को पत्र के माध्यम से बताते हैं कि तुम एक योग्य किसान बनो, खेती के सभी औजारों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखना, यानी कि जो भी खेती बाड़ी करने का जो सामान है, औजार है, उसको साफ सुथरा रखना है, सुव्यवस्थित रखना, उसको अच्छे ढंग से सजा कर रखना है। अक्षर ज्ञान के साथ साथ उन्हें दो विषयों पर ध्यान देने के लिए कहा है, वह है गणित और दूसरा है संस्कृत, इस पर पूरा ध्यान देना। फिर उन्होंने बताया कि भविष्य में संस्कृत तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी होगी, है ना, भविष्य में तुम्हारे लिए संस्कृत बहुत उपयोगी होगी। इन दोनों विषयों को बड़ी उम्र में सीखना बड़ा ही कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। हाँ, संगीत में भी बराबर रुचि रखना, यह भी बताते हैं, है ना, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने गए भजनों का एक संग्रह तैयार कर लेना, है ना, और वर्ष के अंत में यह संग्रह तुम्हारे लिए मूल्यवान साबित होगा। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए,
है ना, और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह काम कैसे होगा, कब तक हम पूरा कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं सोचना है कि मैं पहले कौन, इतना इतना काम है, पहले मैं कौन सा काम करूं, यह कब पूरा होगा, ऐसा नहीं सोचना है। मुझे आशा है कि घर के लिए तुम जो भी खर्च करते होगे उसका तुम हिसाब अवश्य रखते होगे, है ना। मुझे आशा है कि तुम दिन प्रतिदिन नियम पूर्वक प्रार्थना करते होंगे और रविवार को मिस्टर वे के यहाँ प्रार्थना में नियमित जाते होंगे, है ना। आगे क्या लिखा है, हमें सूर्योदय, यह भी ध्यान रखना कि हमें सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। ये बातें तुम्हारे जीवन में आगे चलकर बहुत सहायक साबित होंगी। इस पत्र को पढ़कर और अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही मुझे जवाब देना, अब मैं प्रेम सहित इस पत्र को समाप्त करता हूँ। जब समाप्त करते हैं तो इस तरह लिखा जाता है, है ना। अब मैं विशेष इस पत्र में क्या लिखूं, तुम्हारा पिता पर मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी, ठीक है। क्या लिखेंगे, महात्मा गांधी का लिखा हुआ है, किसके नाम, तो अपने पुत्र मणि के नाम, कहां से, प्रिटोरिया जेल से। कब लिखा, 25 मार्च 1909 को लिखा, है ना। तब देखिए समझ लिए होंगे कि इस पाठ में क्या क्या लिखा है उन्होंने पत्र के माध्यम से, है ना। तो इसे आप पढ़ेंगे और इसका जो वर्कशीट मिलेगा उसे भी आप बनाएंगे, प्रश्न उत्तर भी लिखेंगे, है ना। इससे एक्सरसाइज के अलावे जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अर्थात जो उसमें उस पाठ से आप प्रश्न निर्माण करेंगे उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है।